दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अब तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म रोबोट 2.0 के एडवांस बुकिंग से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यश और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेकफास्ट चैनल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले काफी दिनों से फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान का एडवांस बुकिंग उसके जोरदार VFX के नाम पर किया जा रहा था, जबकि फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान अपने VFX को लेकर ही फैंस को काफी निराश किया है। अब दोस्तों नई खबरों की माने तो जल्द ही फिल्म 2.0 रोबोट का एडवांस बुकिंग शुरू किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों खबरें ये भी आ रही है कि इस फिल्म के टिकट 10-15% की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें ये फिल्म आपको 3D के साथ साथ 4K डॉल्बी साउंड में देखने को मिलेगा। दोस्तों अपने बकवास VFX के बाद भी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के टिकटों 10% की बढ़त की गई थी, जिसकी वजह से फिल्म ने करीब 2 दिनों में करीब 81 करोड़ का कमाई किया है। वही दोस्तों बात करें फिल्म रोबोट 2.0 के VFX, तो इस फिल्म की VFX वाकई जबरदस्त है। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार काफी जबरदस्त अवतार में दिखाई देंगे। दोस्तों जहां इस फिल्म में अक्षय कुमार विलन के किरदार में होंगे, वहीं रजनीकांत के रोबोट का 2.0 वर्जन काफी जबरदस्त होने वाला है। इस फिल्म में एमी जैक्सन का भी अलग ही अंदाज देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने के साथ VFX का उम्दा नमूना भी होगा, क्योंकि दोस्तों शंकर के इस फिल्म का बजट करीब 550 करोड़ बताया जा रहा है। इस हिसाब से दोस्तों इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी जोरदार होगा और इस फिल्म की फर्स्ट डे की कलेक्शन भी काफी जबरदस्त होगा। दोस्तों आपके हिसाब से इस फिल्म का फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हमारा ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।